इनसे। तो भैया आप ये बताइए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि लड़कियों के पीछे से ऊंची होती है। बताइए कि मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसे तो लड़कियां छुपाती हैं, जब देती हैं तो पैसों में देती हैं। शाबाश। तो भैया आप ये बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि लड़के की भी काली होती है और लड़के की भी। गुड क्वेश्चन। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे और एकदम सभी लोग और अपने अपने ज़िंदगी में व्यस्त होंगे। तो भैया हम लोग आ चुके हैं अभी फुल पावर के साथ चल करके अपनी निंजा से। ये देखो निंजा खड़ी है, हम लोग निंजा से चल करके आ चुके हैं यहाँ पे। ये देखो भाई कहाँ पे आ गए हैं, आपको दिख ही रहा होगा। तो भाई यहीं का आज सीन बहुत खतरनाक होने वाला है, बहुत ही अच्छा देखोगे तो आज के वीडियो में तो भाई बहुत ही मज़ा आने वाला है। एंड क्यूट क्यूट पापा की परियों से क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे उनका रिएक्शन क्या होता है। तो वीडियो में बने रहना यही देखने के लिए। तो सीधा चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्वेश्चन के रिएक्शन क्या होता है, आंसर दे पाते हैं या नहीं। उस दिन तो भाई बहुत मजा आया, लेकिन उस दिन से ज़्यादा आज मजा आएगा। तो गाइस इनका कुछ समस्या देख सकते हो क्या है, तो इनका समस्या हल करने के बाद हम लोग चलते हैं आगे की ओर। A few minutes later. देखो यार यहाँ पर ये अपने यूपी के लोग मिल चुके हैं एंड भैया इनसे क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं ये लोग क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं या नहीं। तो भैया आप ये बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि लड़के की भी काली होती है और लड़के की भी। गुड क्वेश्चन। बाल नहीं, बाल किसी के बुरे से हमारा तो काले हैं। गजब बेइज्जती है। ऑलरेडी सभी के भाई जो तुम लोग सोच रहे हो वही सोच रहा होगा। हाँ मैं इतनी गंदी सोच रही है अपनी यार। भाई मेरी बहुत गंदी है। कितने शानदार विचार रखते हैं जी। होते हुए भी थोड़ी बोलेंगे हम। पॉजिटिव ना, पॉजिटिव क्या काली हो सकती है? नजर गंदी काली रहती है भाई। नहीं। अच्छा इसको छोड़ो, ये बताओ दो इलेक्ट्रिक ट्रेन है, ठीक है? दो इलेक्ट्रिक ट्रेन है, एक साउथ इंडिया में और एक नॉर्थ है। तो दोनों का धुआं किधर जाएगा? एक साउथ इंडिया है, एक नॉर्थ। एक नॉर्थ इंडिया है? नहीं, एक साउथ अफ्रीका में, एक नॉर्थ अफ्रीका। वहीं पर रहेगा। तो दोनों का धुआं किधर जाएगा? भाई वहीं पर रहेगा यार। वहीं पर रहेगा। कहाँ जाएगा धुआं? मेरे गाड़ी जाएगी, जहाँ जहाँ गाड़ी जाएगी भाई वहाँ वहाँ। पहले इलेक्ट्रिक कार वहाँ धुआं निकलेगा नहीं, पहली बात है। तो देखा भाई यहाँ के लोग किस तरीके हैं। भाई दे दिया यार, देख सकते हो ये भाई लोग मिल चुके हैं एंड इनसे क्वेश्चन करेंगे इनसे। तो भैया आप ये बताइए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि लड़कियों के पीछे से ऊंची होती है। इधर देखिए सैंडल। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो भाई ये देखो, ये है अपने यूपी के लोग एंड ये देख सकते हो भाई एकदम राइट जवाब है। One eternity later. तो यहाँ पे देखो ये भाई लोग मिल चुके हैं एंड इनसे क्वेश्चन करेंगे। तो आप ये बताइए जैसे एक रुमाल है, ठीक है, उसका एक कोना काट दिया जाए तो उसमें कितने कोने बचेंगे? चार। शाबाश। पाँच। 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 चार कैसे बचेंगे? पाँच बचेंगे। तो पाँच। देखा भाई, तो ये हमारे यूपी के लोग समझ रहे हो। और अच्छा ये बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि लड़कियां ऐसे तो देती नहीं है, देती हैं तो पैसों में देती हैं। जनता माफ नहीं करेगी। बताइए अजी, बताओ। ऐसे तो देती नहीं है, देती हैं पैसों में। अरे देती बताओ। अरे भैया आगे बढ़ ले। पता नहीं यार भाई, बताइए। नहीं यार नहीं बता। भाई लोग आप कमेंट करके बताओ वह कौन सी चीज़ है। तो यहाँ पे देखो ये मैम लोग आ रहे हैं एंड इनसे क्वेश्चन करेंगे, तो देखते हैं। तो हेलो मैम, क्या आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दे सकती हैं? आप में से कोई दे सकती हैं? नहीं आता प्यारी, समझ गई। तो भाई इन्हें भी नहीं आता, बोल रहे नहीं आता। ये हम लोग आ चुके हैं घंघोर जंगल में एंड भैया जंगल में दो लोग मिल चुके हैं, तो इनसे क्वेश्चन करेंगे। इधर देखिए भैया। भैया यार बताइए। भाई शर्मा रहे होगा? नहीं नहीं शर्मा। देखो एक क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसी कौन सी चीज है जो कि लड़कियां ऐसे तो देती नहीं है, देती हैं तो वो भी पैसों से देती हैं। आई डोंट नो, तुम ही बता दो यार। भाई इन्हें नहीं पता, हम बता दें भाई, ये मेरी ऑडियंस बताएगी। तो भाई आप कमेंट करके बताओ। अभी मैं यही सेम क्वेश्चन एक लड़की से पूछने वाला हूँ, तो देखते हैं क्या ही रिस्पॉन्स मिलता है। हेलो एक्सक्यूज मी,
मैं ऐसे रेंडमली बताइए कि मतलब ऐसी कौन सी चीज है, ऐसे तो लड़कियां छुपाती हैं, जब देती हैं तो पैसों में देती हैं, शाबाश। कौन सी चीज है मतलब ऐसे तो लड़कियां छुपाती हैं और जब देती हैं तो पैसों में देती हैं? नहीं, सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। शायद आपके साथ भी हो चुका होगा। नहीं यार, होती है, बताइए। चलो बताते हैं तो आप लोग बताइए, फिर इनको तो हम बताइए। भाई लोग मिल चुके हैं एंड इनका नाम है सुरेंद्र। तो आप ये बताइए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि लड़की की है लेकिन लड़कों के घुटने में होती है? दिमाग है वो चीज़। ये लो, उठा उठा के पटकूंगा, उठा उठा के पटकूंगा। भाई ने तो पता था, भाई ने पता था। एंड भाई मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ गाइस। मैं भी यूट्यूब चैनल मेरा भी है जो कि रियल टाइम एक्सपेरिमेंट्स है, मैं भी उसमें एक्सपेरिमेंट की वीडियोस डालता हूँ। आप वो वाला चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरे भाई के चैनल का नाम क्या है? रियल टाइम एक्सपेरिमेंट है। हाँ तो भाई इनको भी सपोर्ट कीजिए। एंड तो दोस्तों देखो यहाँ पे ये भैया मिल चुके हैं एंड इनसे एक क्वेश्चन करेंगे जो कि उस क्वेश्चन का आंसर ये भैया देंगे। तो ये बताइए कि बच्चे कैसे होते हैं? यही नहीं, अभी और सुनिए। बच्चे अच्छे तो होते हैं मगर दिल से थोड़े कच्चे होते हैं। अच्छा, अच्छे होते हैं वो कैसे? बच्चे के माइंड में ज़्यादातर लड़कियों का चलता है। समझ रहे हो? अच्छा, क्या समझ रहे हैं? बताने में तो अच्छा नहीं लगता मगर लड़कियाँ कुछ समझती होंगी। अच्छा, क्या चलता है? तो हमारी ऑडियंस में शायद लड़की नहीं देखती है, लड़के देखते हैं। जिसमें हमारी ऑडियंस जो है जी? लड़के लोग ज़्यादा देखते हैं, लड़कियाँ नहीं देखती। तो आप बोल सकते हो? ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि लड़कियाँ ना देखें। चलो तो भाई, भाव नहीं देगी तो लड़के कहाँ। वैसे बच्चे जो आपने बोला कि ये बच्चे शैतान होते हैं, शैतान तो काफ़ी होते हैं लेकिन। अच्छा, बच्चे क्यूट होते हैं? बच्चे क्यूट होते नहीं, उन्हें क्यूट बनाया जाता है। अच्छा, सिर्फ लड़कियों की वजह से? लड़कियों की वजह से। ये लो भाई, लड़कियों की वजह से बच्चों को क्यूट बनाया जाता है। तो समझ रहे हो आप? मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद।